से बुलाई हूँ एक तो द्वार का, आँखों में रंगो इस जा लगा है तेरे नजर, कुछ न पूछिए आजा मेरी दुनिया में जरा लौट के आजा, आँखों को ये टूटेगा दिल मुस्कुराने से पहले मुस्कुराने से। आइए दोस्तों बात करते हैं 40 के दशक की प्रसिद्ध अभिनेत्री मुन्नवर सुल्ताना की। इनका जन्म 8 नवंबर 1924 को लाहौर में एक पंजाबी मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनके पिता रेडियो अनाउंसर थे और इन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन 40 के दशक में इनके पास फिल्मों के ऑफर आने लगे तो इनके पिता ने इन्हें फिल्मों में काम करने की अनुमति दे दी थी। सबसे पहले इन्होंने साल 1941 की फिल्म खजांची में एक शराब परोसने वाली लड़की की छोटी सी भूमिका निभाई थी। पीने के दिन आए पिए जा, जीने के दिन आए। उसके बाद इन्होंने साल 1945 तक फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं की। साल 1945 में इनको अभिनेता, निर्माता और निर्देशक मजर खान 4,000 रुपये मासिक वेतन पर लाहौर से मुंबई ले आए थे। मजर खान ने इनको मुख्य अभिनेत्री के तौर पर पहली फिल्म पहली नज़र में अभिनय करने का मौका दिया था। फिल्म में इनके साथ अभिनेता मोतीलाल थे और ये फिल्म सुपरहिट रही थी। फिल्म में मुकेश का गाया गाना दिल जलता है तो जलने दे काफ़ी पसंद किया गया था। शर्मो हया के पर्दे में यूं चुप चुप। इस गाने को पसंद किए जाने का सबसे बड़ा कारण यह था कि ये गाना मुकेश ने उस समय के प्रसिद्ध गायक कुंदन लाल सहगल की शैली और उनसे मिलती जुलती आवाज़ में गाया था। गाना सुनकर खुद कुंदन लाल सहगल ने कहा था कि ये गाना मैंने कब गाया। दिल जलता है तो जलने दे। साल 1947 में इन्होंने फिल्म दर्द, ऐलान, अंधों की दुनिया और नैया में काम किया था। फिल्म दर्द में इनके साथ अभिनेत्री सुरैया भी थी। ये फिल्म म्यूजिकल हिट साबित हुई थी। इसका गाना अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का काफी पसंद किया गया था। अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, आँखों में रंग भर किस दिन से मेरा चांद छुपा, मेरी नजर से बेताब बदन खुशी क्यों मिले गम उठाने से पहले गम उठाने। दर्द के अलावा इनकी फिल्म ऐलान भी हिट रही थी। ऐलान का निर्देशन महबूब खान ने किया था और इस फिल्म में इनके साथ अभिनेता सुरेंद्र थे। तुझको कसम हया के अपनी हर एक अदा के एक बार। उसके बाद इन्होंने मजबूर, मेरी कहानी, पराई आग, सोना, बापू, दिल की दुनिया, रात की रानी, सावन भादों, उदार, बाबुल, प्यार की मंजिल, सबक और सरताज जैसी 25 के करीब फिल्मों में अभिनय किया था। फिल्म बाबुल में इन्होंने दिलीप कुमार और नरगिस जैसे बड़े सितारों के साथ अभिनय किया था। ये फिल्म हिट रही थी। घर से ही झलक जाना पैमाना किसी का, कहो बिजलियों से ना दिल को जलाए ना दिल को। मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। साल 1950 के बाद मधुबाला, मीना कुमारी और नरगिस जैसी अभिनेत्रियों के कारण इनको फिल्मों में काम मिलना कम हो गया था। साल 1954 में इन्होंने एक व्यवसायी शरीफ अली से शादी कर ली थी। खुदा की शान सहेली देख खुदा की शान देख। शादी के बाद इन्होंने फिल्मों में अभिनय करना छोड़ दिया था। इनकी आखिरी फिल्म जल्लाद साल 1956 में रिलीज हुई थी, लेकिन उसकी शूटिंग शादी से पहले ही पूरी हो गई थी। के
शादी के बाद इन्होंने 7 बच्चों को जन्म दिया था। शादी के 12 साल बाद साल 1966 में अचानक इनके पति का निधन हो गया था। इनके पति घर की आर्थिक स्थिति अच्छी छोड़कर गए थे, इसलिए इनको बच्चों के पालन पोषण में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा था। हासिल है यूं तो मुझको जमाने की दौलती, जमाने की दौलती। साल 1999 में इनको अल्जाइमर नाम की बीमारी हो गई थी। 15 सितंबर 2007 को 83 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। आंसू न बहा पर याद न कर दिल, मुश्किल है अब जीना शाहे मदीना। एक बार फिर से आ जा दिल में मेरे समा जा। Oh,